ओके, अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है और जैसा हम हर महीने के लास्ट में करते हैं, इस महीने ड्रॉप हुए कुछ क्रेजी और फायर ट्रैक्स हम इस वीडियो में चेक करने वाले हैं। और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो मैं 30 अक्टूबर को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा है, छठ पूजा है, तो उसके लिए मुझे कहीं बाहर जाना है, तो मैं अभी ये वीडियो बना ले रहा हूँ। तो जो कल गाना आने वाला है एमवी बंटाई का, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कौन सा ट्रैक है, डिस ट्रैक है या फिर क्या है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो गाने का रिव्यू तुम्हें एक दिन बाद, मतलब इस वीडियो के बाद देखने को मिल जाएगा, और वो गाना तुम्हें इस लिस्ट में भी देखने को नहीं मिलेगा। सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। सो अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, इंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है, अगर इस महीने तुमने इस महीने के जो ट्रैक्स ड्रॉप हुए हैं उनको फॉलो नहीं किया है, कुछ ट्रैक तुमसे छूट गए, तो तुम इस वीडियो में सारे ट्रैक को एक साथ सुन सकते हो, और तुम्हें जो भी ट्रैक पसंद आता है तुम अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। So, मैंने ये गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना और भाई कमेंट में जाकर ड्रॉप कर देना तुम रैप बॉट के चैनल से आए हो, रैप बॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। सो जाओ भाई को सपोर्ट करो, तुम फीडबैक दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और भाई के थोड़े व्यूज बढ़ाने में हेल्प कर दो। ओके, लेट्स नाउ कम बैक टू द वीडियो, लेट्स नाउ चेक सम ऑफ द फायर ड्रॉप्स ऑफ अक्टूबर 2022। सो हमारी लिस्ट का जो पहला ट्रैक है इसका नाम है बदन, आर्टिस्ट है रागा और हरजस। वो खड़ी करे बम ट्रैक्स मेरे तो हिलते हैं बम्स, अब बस रैप मेरा ड्रग एंड आई बी लाइक एन एडिक्ट। तो कर तो गाने में कमर्शियल वाइब है, गाना हमें डेफ जेम इंडिया के साइड से देखने को मिला है, और रागा के वोकल्स के साथ जो उनकी भारी आवाज है उनके साथ गाना बहुत सही साउंड कर रहा है। हरजस का वर्स भी डिसेंट है, हरजस का वर्स भी डिसेंट है, यावर की बीट प्रोडक्शन बहुत सही है, ओवरऑल गाना बढ़िया है। सो अगर तुम्हें ये ट्रैक स्निपेट पसंद आता है तो तुम जाके गाना चेक कर सकते हो, अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो, बढ़िया ट्रैक है। ओके, चलते हम अपने सेकंड ट्रैक पे, एंड दिस इज नॉट जस्ट ए ट्रैक, दिस इज अ होल प्रोजेक्ट, दिस इज अ ईपी बाय एपी डिलो। सारी रात मैं लाइयां का तैनू की अंदाजा मेरे दिल ते की। इस ईपी को मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, तो तुम चाहो तो वो रिव्यू वीडियो देख सकते हो, बाकी ईपी सही है, पूरी ईपी में हमें रेट्रो वाइब देखने को मिली है, ज्यादातर ट्रैक्स में सिंथवेव म्यूजिक यूज हुआ है, और अगर तुम ईपी डिलो के गाने सुनते हो तो फॉर श्योर भाई मजा आएगा सुन के, सो डू चेक इट आउट। अब चलते हैं अपने अगले ट्रैक पे, इस गाने का नाम है हनी सिंह, अखीन आर्टिस्ट का नाम हनी सिंह नहीं है, गाने का नाम है हनी सिंह, आर्टिस्ट है बेला। अगेन बेला के साइड से न्यू स्कूल साउंड देखने को मिला है, बीट अच्छी है, गाने की मेलोडी अच्छी है, और जब भी बेला कोई नया ट्रैक ड्रॉप करते हैं मुझे ऐसा ही लगता है कि ये गाना मोनोटोनस होगा, मतलब पिछले गाने से सिमिलर साउंड करेगा, बट पता नहीं कैसे बेला गाने में कुछ ऐसा ले आते हैं जो गाने को डिफरेंट बना देता है पहले वाले गाने से या पहले वाले बेला के ट्रैक से। तो ओवरऑल सही ट्रैक है, और अगर तुम यो हनी सिंह के फैन हो तो हनी सिंह का नेम ड्रॉप और शाउट आउट भी तुम्हें इसमें बेला के साइड से देखने को मिल जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, एंड दिस इज एन एल्बम जिसका नाम है शैंपेन टॉक, आर्टिस्ट है किंग। तू मान मेरी जान, मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी। किंग के साइड से हमें उनका लेटेस्ट स्टूडियो एल्बम देखने को मिला इस महीने। इस एल्बम में टोटल 8 गाने हैं, और ज्यादातर ट्रैक्स में हमें किंग के साइड से कमर्शियल वाइब देखने को मिली है। सो अगर तुम्हें किंग के कमर्शियल ट्रैक पसंद आते हैं, मेलोडी वाले ट्रैक पसंद आते हैं, तो ये एल्बम तुम्हारे लिए तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। अगर तुम हार्डकोर किंग को पसंद करते हो, MTV हसल वाले किंग को पसंद करते हो, तो शायद तुम्हें ये उतना पसंद ना आए, बट स्टिल मैं बोलूंगा गिव इट अ ट्राई, अगर नहीं सुना है एक बार सुन लो। ओके, चलते हैं हम अपने अगले ड्रॉप पे, आर्टिस्ट है MC Insane एंड सरकार, गाने का नाम है वन लाइफ। गानों में क्रेज तभी चल गए, इनको पानी तो पिला दो ये जल गए, पैसा 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 मेरा वन वे ग्रैंड। तो देसी हिप हॉप और नेप हॉप, मतलब नेपाली रैप जब भी हमें साथ में देखने को मिलता है भाई, ये कॉम्बिनेशन बहुत पहले से हिट है। अगर हम बात कर ले EPR और यूनिक पोएट की, या फिर हम बात कर ले MC Insane और सरकार की, ओवरऑल वाइबी ट्रैक है, हिंदी और नेपाली का जो कॉम्बिनेशन है वो इस ट्रैक को और भी ज्यादा यूनिक बनाता है। सो अगर तुमने बाई चांस ये ट्रैक नहीं सुना है, डू चेक इट आउट, बढ़िया ट्रैक है भाई, सुन के मजा आ जाएगा। ओके, अब चलते अपने अगले ड्रॉप पे, आर्टिस्ट है हनी सिंह, और इस बार आर्टिस्ट हनी सिंह है, गाने का नाम हनी सिंह नहीं है, गाने का नाम है टुगेदर फॉरएवर। किन्ना चाहूंगा तेनू दसा बेबी यू रॉन्ग एंड रॉन्ग।
तो हनी सिंह पाजी ने जब से कमबैक किया है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ट्रैक जो है मुझे बहुत हद तक पसंद आया है, ठीक है। और मैंने इसका अगेन रिव्यू भी कर रखा है, अगर तुम पुराने हनी सिंह को ढूंढ रहे थे तो कहीं ना कहीं तुम्हें इस ट्रैक में वो पुराने वाले हनी सिंह देखने को मिल जाएंगे। पूरी तरह तो नहीं, बट कुछ हद तक जरूर देखने को मिल जाएंगे। अच्छी ट्रैक है, हुक मुझे बहुत सही लगी, और तुम अगर हनी सिंह के फैन हो तो भाई पक्का लूप में चलेगा। और अगर ट्रैक नहीं चेक किया है भाई तो तुम मिस आउट कर रहे हो, बढ़िया ट्रैक है, डू चेक इट आउट। ओके, अब चलते हैं अक्टूबर के अगले ड्रॉप पे। इस गाने का नाम है 80s के सॉन्ग आर्टिस्ट है कर्मा। तो रिसेंटली कर्मा भाई के साइड से हमें थोड़ी कमर्शियल, थोड़ी हार्ट ब्रेक, रोमांटिक ट्रैक्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसके पहले हमें कर्मा का एक पूरा ईपी देखने को मिला था जो हार्ट ब्रेक पे था, और अगेन ये जो गाना है ये हमें सोनी म्यूजिक के म्यूजिक लेबल से देखने को मिला है। दिस इज अ कमर्शियल ट्रैक, म्यूजिक जो है दीप कालसी ने प्रोड्यूस करी है, म्यूजिक भी मुझे बहुत सही लगी, म्यूजिक वीडियो भी बहुत सही, ओवरऑल ट्रैक बढ़िया है। रैप सॉन्ग तो नहीं बोल सकते हम इसको, पर हाँ मतलब अच्छा ट्रैक है, एक बार तुम जरूर चेक कर सकते हो। अब चलते हम अपने अगले ट्रैक पे। आर्टिस्ट है विजय डी के, गाने का नाम है लॉकअप। मैं कोई ज्ञानी नहीं ना कोई ज्ञान प्राप्ति, सबसे कम स्ट्रीट से तेरे भेजे के तार खुले चार बार्स में आदि का तम। तो विजय डी के जो गाने होते हैं उनकी वाइब बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि एमसी स्टाइल से मिलता जुलता है, बट मुझे नहीं लगता। और ये ट्रैक भाई बहुत डिफरेंट है, और ये ट्रैक जो है ये बहुत डिफरेंट है। इस ट्रैक में हमें एक बीट स्विच भी देखने को मिला है। स्टार्टिंग हाफ जो ट्रैक का है ये तुम्हें ट्रैप बीट भी देखने को मिल जाएगा, उसके बाद ड्रिल बीट भी है। सो ओवरऑल ट्रैक जो है वो बहुत बढ़िया है, तुम एक बार जरूर चेक करना, तुम्हें पसंद आएगा। पसंद आता है तो प्लेलिस्ट में ऐड कर लेना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ड्रॉप ऑफ अक्टूबर। और इस ट्रैक के बारे में बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि आइडिया भी नहीं होगा। इस गाने का नाम है डूब जा, आर्टिस्ट है सुनिधि चौहान एंड किंग। तो ये जो गाना है ये हमें भूमि 2022 में देखने को मिला है, जो कि सलीम सुलेमान का प्रोजेक्ट है। और जो एनर्जी और परफॉर्मेंस हमें किंग और सुनिधि चौहान के साइड से देखने को मिली है, भाई जब मैंने पहली बार सुना था ये गाना, सुन के मजा आ गया था। और इस गाने की जो लाइव काइंड ऑफ सेट डिजाइन है वो और भी इस गाने को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, और इस गाने में और भी एनर्जी डाल देती है। सो ओवरऑल गाना, म्यूजिक वीडियो और परफॉर्मेंस मुझे बहुत सही लगा। और अगर तुमने चेक नहीं किया भाई पक्का चेक करो, ये तो पक्का चेक करो, मजा आएगा सुन। ओके, अब चलते हैं अपने अगले ट्रैक पे। गाने का नाम है आई गेस और आर्टिस्ट है कृष्णा। ये बोल रहे क्या, सुनाई नहीं दे रहा, ब्रो मत बोल मेरे को भाई नहीं तेरा, बोलाएगा टाइम नहीं मेरा अब टॉप पे। तो कृष्णा के साइड से फाइनली 3 महीने के बाद हमें एक ट्रैक देखने को मिला, और इस ट्रैक का नाम था आई गेस। ये जो ट्रैक है ये एक यूके ड्रिल ट्रैक है, और कृष्णा ने इसमें यूके ड्रिल फ्लो किया है। उसके साथ साथ इस ट्रैक में मल्टीपल शॉट्स भी लिए गए हैं, इंक्लूडिंग एमी वेबन टाइम। ओके, अब चलते हैं अपने अगले ड्रॉप पे। Baby wanna smoke, roll up, she like to move, Nora, gale mein sona, cola। तो गाने में कमर्शियल वाइब है, तो मैंने ट्रैक ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, मुझे तो ट्रैक पसंद आया। और अगर तुम लोगों ने बाई चांस नहीं चेक किया ट्रैक, अगर तुम कहीं पहाड़ वहाड़ पे रहते हो, जंगल पे रहते हो, इंटरनेट नहीं आता है, और अभी तक तुमने उस रीजन की वजह से ट्रैक नहीं सुना है, जरूर चेक करना, मजा आ जाएगा सुन के। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रैक। और ऐसा हो नहीं सकता है कि बेला भाई दो बार इंक्लूड ना हो, मैंने बेला के कुछ सॉन्ग जो है हटा दिए है, नहीं तो बेला और दो तीन बार नजर आते तुम लोग को इस लिस्ट में। इस गाने का नाम है एंटीडोट 2। तो बेला के साइड से हमें इसके पहले एंटीडोट का पहला पार्ट देखने को मिल चुका है, और उसी ट्रैक का सीक्वल हमें आज से कुछ दिन पहले बेला के साइड से देखने को मिला। अगेन वेरी गुड ट्रैक, आराम से प्लेलिस्ट पे अपनी जगह बना सकती है, सो डू चेक इट आउट। ओके, इट्स टाइम टू चेक द लास्ट ट्रैक ऑफ आवर लिस्ट। गाने का नाम है अकेला, आर्टिस्ट है डिवाइन। सब कुछ है पास और फिर भी मैं अकेला क्यों, पूरा शहर मेरे साथ फिर अकेला क्यों। तो डिवाइन ने अपने एल्बम से सेकंड सिंगल ड्रॉप कर दिया है, इस गाने का नाम है अकेला। और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड ड्रॉप था, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डिवाइन कुछ ऐसा ट्रैक निकालेंगे अपने एल्बम से। मैं भाई हार्डकोर डिवाइन सोच के बैठा था कि भाई हार्डकोर ट्रैक आएगा, बट ये जो ट्रैक है बहुत ज़्यादा इमोशनल है। डिवाइन इसमें बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें करते हैं, और अगर तुमने कृष्णा का ओजी सुना है, या फिर बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जिनके साइड से हमें इस टाइप का ट्रैक देखने को मिलता है, जहाँ पे जब वो अपने लाइफ पे सब कुछ अचीव कर लेते हैं, जब उनके लाइफ में ऐसा लगता है हम लोगों को कि सब कुछ सही चल रहा है, तो वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है और क्या क्या चीज़ें गलत हो रही है, जो हम लोग को उसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है। तो ट्रैक मुझे बहुत सही लगा, म्यूजिक वीडियो बहुत अच्छी है, और अगर तुम लोगों ने चेक नहीं किया है डू चेक इट आउट, दिस ट्रैक इज रियली गुड। Okay, so this was it. These were some of the fire drops
ऑफ अक्टूबर 2022। अगर मैंने कोई ट्रैक मिस कर दिया तो कमेंट में बता सकते हो, तो मैं उन ट्रैक को बाद में फीचर कर दूंगा, कोई अगले वीडियो में फीचर कर दूंगा, सॉन्ग ऑफ द डे में डाल दूंगा, आउट्रो में डाल दूंगा, कहीं ना कहीं डाल दूंगा, ठीक है। और सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल को इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और भी तुम्हें बहुत सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हर जगह फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को सपोर्ट करो। दिस वॉज इट, दिस वॉज द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।